तो अभी मैं आया हुआ हूँ मेडिकल, एक थोड़े से काम के मसले में बस यहाँ से जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरफ हमारे बकरे के खुर बन रहे हैं, तो मैं आपको जाकर खुर बनते हुए दिखा देता हूँ। अब ये माशाल्लाह बच्चा तैयारी का आ गया है, बहुत ज़्यादा बीमारी में था लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो खुर बनते हुए दिखाना कैसा लगता है, खुर बनते हुए दिखाना ये भी पता लगेगा, क्योंकि अब तक तो बनाते थे हम। इसको देख के खुर बनाना मत लग जाना, नाड़ी आदमी है। फाइनल प्रोडक्ट देखना कि फाइनल तैयार कैसा हुआ है। बस ये अपने हिसाब से खुर बनाता है, लेकिन अच्छे बनाया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, हम लोगों ने हमारी सारी फीमेल्स गोट जितनी भी थी सबको एक साइड कर लिया है, उस तरफ से सब हटा दिया। और आज का हमारा मेन कार्यक्रम रहेगा इसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए इंतज़ाम करने का, क्योंकि बारिश का मौसम बनने लग गया है, क्योंकि बॉम्बे की साइड में शाम के टाइम बारिश हो रही है, तो हो सकता है यहाँ भी बारिश है। और जिस दिन यहाँ पर बारिश आएगी उस दिन रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, और सर्दी से बचाने के लिए जानवरों को हमको अभी से इंतज़ाम करने पड़ेंगे। तो हमारा प्लानिंग ये है कि हम अभी बेटा एक भी नहीं है, बारिश और सर्दी की वजह से हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, ताकि जब मौसम खराब हो तो तब भी हमारे जानवर सेफ रहे। और दिवाली के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग हमारे पर्दे वगैरह गिराने शुरू कर देंगे। ये जो दो तिरपाल रखी है ये हम लोगों ने बांधी नहीं थी, तो ये भी इंशाल्लाह आज बांध बांध के खत्म कर देंगे। एक बकरे को एलर्जी हुई है बहुत बेकार वाली, तो उसका ट्रीटमेंट करने का है, तो अभी साबान से मैंने ग्लव्स मंगाए, ग्लव्स आ जाए, पोटेशियम, बीटाडीन, उसके बाद इंशाल्लाह आलू स्प्रे, ये तीन चार चीजें यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आज ये ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने अब खाली कर दिया इसको, मैं अब इंशाल्लाह ताला दो चार दिन में उठवा भी दूंगा यहाँ से। शायद से दो चादर वो रखी है वहाँ पे और दो ये रखी है, तो ये वाली चादर हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हरी पत्ती का स्टॉक मेरे हिसाब से तीन चार, चार दो छः आठ दस बारह, मेरे हिसाब से तीस पैंतीस बोरियाँ रखी हैं, जो कि तीन चार पाँच दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो फटाफट से हरी पत्ती की पेमेंट अरेंज करते हैं और हरी पत्ती मंगाते हैं। पत्ती की कॉस्टिंग बहुत खतरनाक लेवल पे जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा अप जा रही है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा फ्यूचर में। इस बकरी से हम बहुत दुखी हो गए हैं, ये छोटे बच्चों की तरह हरकत करती है, अभी सात आठ महीने की बच्ची है। ले तो आज इस बकरे को आए हुए पूरे एक हफ्ते आठ दिन हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये पंच हुआ था बकरा, लेकिन पंच होने के बाद भी इसकी ये हालत है। क्वारंटाइन पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसने निकाल दिया है, और आज मैं इसको बाड़े में करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि जिस हिसाब से गर्म हो रहा है ये मेरे सारे बकरे ना बिगाड़ दे, बट इसको इधर भी नहीं रख सकते, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कैसे इसको मैनेज करेंगे। बहुत बद बच्चा है भाई, बहुत प्यारा बकरा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़रबद से बचाए, बहुत ही कम्प्लीट जानवर है आज मेरे में, फॉर सेल नहीं है और बहुत गंदा मारता भी है। ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, बट इसकी थोड़ी हरकत आपको दिखानी थी। काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि भाई बकरा पंच कराया था लेकिन शांत नहीं हो रहा है, तो ये हमारे साथ भी सेम केस है, लेकिन हम लोग इसको किस तरीके से लेंगे वो आप देखना। आज इंशाल्लाह इसको अलग से बांधेंगे और धीरे 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 करके इसको शांत कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बट सबसे मेन बात ये कि ये बकरा बहुत ज़्यादा ही गर्म है, एक्स्ट्रा मतलब बकरे होते हैं गर्म, मगर इसकी हालत कुछ अलग ही है भाई। इसको लेके जाइए सामान, मारता बहुत बहुत गंदा मारता है। अरे उधर ले जा, क्यों तो कब तक रखेगा बच्चा? और आ रहा मेरा कोटे का भाई। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, हम लोगों ने कोटा परचेस किया है, बट वो इस साल का नहीं है, वो भी अदंत है, वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसको, अल्लाह ताला उसको बनवा दे। क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं एक कोटा ऐसा पालू जो बचपन से फार्म पर पल रहा हो, और उससे फायदा ये होगा कि वो बहुत ज्यादा सेट बकरा होगा, और हमको ना सेट कोटे चाहिए थे इंशाल्लाह ताला। अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है, तो वो साथ साथ ही आप लोगों को अपडेट करूंगा मैं। और इन बकरियों की अपडेट भी आप लोगों को देनी थी, कुछ गुड न्यूज़ है कुछ बैड न्यूज़ है, चलता रहता है पार्ट ऑफ बिजनेस। ये वाली बकरी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन सोल्ड आउट हो चुकी है, ये फैज़ाबाद का रेलवे स्टेशन पर जाएगी इंशाल्लाह ताला दो चार दिन में। और अभी जो बकरियाँ बचती है उसमें रहती है वो भी बिक गई है अल्लाह का शुक्र है, तो एक ये पार्ट बचती है, ये बकरी रहती है, ये बकरी रहती है, एक दो तीन,
और एक जो बकरी थी जिसके सींग घूमे हुए थे वो बकरी रहती है, वो बिक गई है माशाल्लाह। तो अभी इसमें जो बकरियां बच रही है वो बच रही है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 बकरियां बचती है इसमें से, 4 में से। भाई पंखा बंद कर दे सामान, इस टाइम पंखे बंद के मत चला दे, हो गया ना बंद। इस बकरी को शांत हम लोग इस तरीके से करेंगे कि इसको धीरे 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 डेली बकरों में खोलेंगे हम। थोड़ी देर जब हमारे बकरे मजे करने के लिए फन करने के लिए बाहर निकलते हैं तब इसको बाहर खोलेंगे, और ऐसे कर करके इंशाल्लाह ताला इसको 10-12 दिन में सेट करेंगे। बहुत टफ काम है इसको सेट करना। और इधर देखिए माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कि दाने से पूरा फार्म खचाखच भर चुका है हमारा गोडाउन। हरी पत्ती का उधर खाली हो चुका है तो जल्दी हरी पत्ती आएगी। हम लोग हरी पत्ती के रिप्लेसमेंट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग हरी पत्ती के रिप्लेसमेंट पे भी काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि लोग ग्रीन फोडर वगैरह बहुत ज़्यादा उगाते हैं और उस पर ही बकरे पालते हैं। तो मेरी अभी फिलहाल सर्चिंग जारी है कि हम लोग ग्रीन फोडर में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे लोग देखते हैं जो ग्रीन फोडर पर जानवर पालते हैं लाइक बरसीन वगैरह पर। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई एक घास आती है जिसको नेपियर बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग जो इस लाइन में जुड़े होंगे या फार्मिंग लाइन में उनको मालूम है कि नेपियर किसको बोलते हैं। तो बकरों में कौन सी नेपियर कामयाब है मुझे उस चीज़ के बारे में सर्वे करना है थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह, कुछ महाराष्ट्र की साइड में काफ़ी बोर फार्मिंग वगैरह जो होती है वो नेपियर पर ही हो रही, तो या तो उनके यहाँ पर विजिटिंग करनी पड़ेगी या फिर सर्च करना पड़ेगा जैसे भी। मगर इंशाल्लाह ताला फटाफट से और जल्द से जल्द हम लोग हरी पत्ती के रिप्लेसमेंट पर काम करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि हरी पत्ती बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्टली पड़ जाती है जिस हिसाब से हम लोग हमारी हरी पत्ती को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर टाइम हरी पत्ती बकरों के आगे पड़ी रहती है और हरी पत्ती की कॉस्टिंग बहुत अप जा रही है। अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं तो 2 से 2.5 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ महीने की हमारी हरी पत्ती खर्च हो रही है फार्म पर, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर है। और इतना ज़्यादा ओवर खर्चा करके फार्मिंग लाइन में काम करना, चलो हमारा फिर भी एक अलग सिस्टम है कि हम लोग कैटल फीड पर काम करते हैं, तो हमारा प्लान ये रहता है कि हम ज़्यादा बड़े से बड़े जानवर तैयार करके लोगों को दिखा सके। तो हमारा बिजनेस अलग है, मोटो अलग है, पर्पस अलग है, और मोस्टली जानवर पलाई के भी रहते हैं। तो ये वो करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन फार्म चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ बकरों को ट्रेडिंग में या फिर पालकर कुर्बानी करके बेचने की प्लानिंग कर रहा हो तो उन लोगों के लिए हरी पत्ती बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये चीज़ यही है कि हमारा भी फ्यूचर काम सारा का सारा यही है, गोट फार्मिंग ही है। तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम जल्द से जल्द हरी पत्ती का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे और देखेंगे। तो अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने जो इसके बैक साइड पे जमीन ली हुई है उसमें बरसीन की बुआई करेंगे, और मेरे हिसाब से 40 से 50 दिन के अंदर अंदर बरसीन वगैरह तैयार हो जाती है। उसको भी कुछ टेक्निक से हम लोगों को उगाना है, जैसे कि हमें 7-8 दिन के बाद 400-400 फीट में बीज डालना है ताकि हम थोड़ा थोड़ा काटते रहे और थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे अपने बकरों को। फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम 400 फीट पे एक हफ्ते में बीज डालेंगे, 400 फीट में एक हफ्ते में बीज डालेंगे, तो वो एकदम से सारा नहीं उगेगा और हमारे पर प्रेशर ये नहीं रहेगा कि भाई आज ही सारा का सारा कट करना है, क्योंकि बरसीन की भी एक लिमिट होती है, एक बार में ये या तो हमें काटना पड़ेगा वरना वो फूल आ जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उगाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके, ओ बेटे देखे बकरा क्या कर रहा, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग उसको उगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके बकरों को सेट करेंगे और बरसीन हमारे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मई तक अवेलेबल रहेगी। तो मई तक फिर हमारे बकरों को हम एक टाइम बरसीन खिलाएंगे, दूसरा टाइम हरी पत्ती खिलाएंगे, और जो हम लोग हरी पत्ती पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको फिर हम दाने पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे बकरों को और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सके। तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग है, इन्हीं चीज़ों पर लगा हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी मेरी बरसीन पे जो बरसीन मैंने आज तक खिलाई नहीं है, लेकिन मोस्टली जितने भी लोगों से बरसीन के बारे में पता किया गया है, बात की गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी सारे लोगों ने बरसीन के काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी बताए, नुकसान भी कुछ पता लगे हैं, जैसे कि बकरों को गैस बन जाना। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे मेन चीज़ है कि अभी अगले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ETTT का एक इंजेक्शन आता है जो कि कराना है जानवरों को, जिससे कि जब भी कोई फीड चेंज हो तो जानवरों को रिएक्शन नहीं आते, एक वो कराना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिससे जानवर को गैस ना बने। अगर हम बकरों के लिए बरसीन उगा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि हम उसमें यूरिया खाद ना डलवाएं। तो वो भी चीज़ें आप लोग जो मैंने अभी तक के सीखी, हो सकता है मेरी थ्योरी गलत हो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ जो बहुत सारे आदमी हैं जो लोग समझाने वाले हैं उन लोगों ने तो सजेस्ट किया है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बकरों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। कबूतर इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि टाइम होते ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अपने पास आके बैठ जाते हैं अपने अपने बाड़े में।
अभी मुझे क्या करने का है, जैसे ये बच्चे हैं माशाल्लाह, तो इनकी ना अभी जो जिस जगह रह रहे हैं इसकी साफ सफाई करा के नए अंडों की तैयारी करनी है, और इन बच्चों को कोने में करना है ताकि सब कुछ सेट रहे। ये कबूतर भी माशाल्लाह हेल्दी हो गया, बहुत पतला सा आया था लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है सब हेल्दी हो गए कबूतर। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। भाई एक गिलास उठा लिया यहाँ से, कबूतर बंद कर दे। अब ना थोड़ी सर्दी फील होने लग गई है, तो बकरों के तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीशन कर रखे हैं पर्दे के, अभी जो पार्टीशन करना है वो यहाँ का करना है। अजान होने दो फिर इंशाल्लाह ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये सुबह के लिए पानी स्टोर किया क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ना पानी आ नहीं रहा है सुबह के टाइम, क्योंकि मैंने बताया था कि हफ्ते 10 दिन यहाँ पे सफाई का काम चलेगा टंकी में, तो पानी आएगा नहीं। लेकिन हमारे एक बकरे ने इसको फाड़ दिया तो उसको करवाते हैं, तो ताकि सुबह को फिर हमें टैंकर ना मंगाना पड़े। हमें एक टैंकर वो 500 रुपए का पड़ता है। भाई बिल्कुल साफ कर देना, कुछ ना छोड़ियो अपना। मैं बोल रहा था आपको कि ठंड थोड़ी सी फील होने लग गई है, तो आप भी अपने यहाँ पर सर्दियों की तैयारी शुरू कर दो। जैसे कि मिक्स ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने बनाया था, और थैंक यू सो मच इतना सारा ट्रस्ट करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा भी मिल रहा होगा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिल रहा है। बाकी ये जो बाड़ा है फीमेल्स का जो पार्टीशन है, इसको मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि पीछे से पूरा पैक करा दूँ और साइड से एक जगह पर बंधवा कर एक बांस, उसके बाद इसको भी पैक कराने का है, और ये पूरी ताकि दिवाली के बाद हमारे यहाँ पर जो मतलब ये है कि जब दिवाली चली जाती है उसके बाद हम लोग पर्दों में मतलब बकरों को रात को पैक करके रखते हैं, उससे पहले नहीं रखते। थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि एकदम से बकरों को इतना पैक वैक मत कर देना कि उनकी बिल्कुल ही इम्यूनिटी डाउन हो जाए और जो सर्दी बर्दाश्त ही ना कर पाए जानवर ना आपका, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। सारे लोगों का ना मेरे से ये क्वेश्चन रहता है कि जो तुम लोग मिट्टी वगैरह डलवाते हो उसकी सफाई कैसे करते हैं, तो आज इंशाल्लाह ताला आपको जो हमने अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है हमने मिट्टी वगैरह चेंज कराई है, तो आज आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये पीछे हमने सारे बकरे बाहर ओपन कर दिए। बकरों को धूप लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। आज की तारीख में बकरों को धूप जरूर लगा लेना ताकि आपके जानवरों को सर्दियों में स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो मैं आपको जो बता रहा था वो बता रहा था कि भाई लोग ये बकरी आज फर्स्ट टाइम हमारे बकरों से मिल रही है, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग सफाई कैसे करेंगे, तो अभी पूरा तरीका आपको समझा देते हैं। हाँ भाई बकरे नहीं दिखा रहा बेटा, बकरे नहीं दिखाएंगे यार, ईद पे दिखाएंगे ना, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें कामयाब करे हमारे मोटो में पर्पस में मकसद में। भाई मुझे अंदर आना लग रहा है ना, मैं ये दिखा दूँ कि सफाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको सफाई का पूरा तरीका बता देता हूँ, एक सेकंड मैं आपको पूरा सफाई का तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम लोग सफाई करते हैं और कैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस पूरे फार्म की मेंटेनेंस होती है साफ़ सफाई की। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। झाड़ू लगी हुई जगह है ठीक है, इसको ध्यान से देखना। जो लोग फार्म वाले हैं उनको बड़ा मदद आएगी इसका इस वीडियो से कि ये क्या चीज़ है, या फिर जिनको दिक्कत है कि उनके बकरों के नीचे कौन सी मिट्टी वो रखे, तो आप लोग ये चेक करते रहे। ये बिना झाड़ू लगा हुआ मामला है और ये झाड़ू लगी हुई है ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है, वो देखो माशाल्लाह झाड़ू लगा रहे हैं गुलफाम भाई, और उधर वो नौशाद भाई झाड़ू लगा रहे हैं। इससे हल्का हल्का सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग मिंगने उठा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, जिससे हम लोग पत्ती छानते हैं उस तरह का एक जाला लेके, उस जाले से हम लोग इसके रेते को छान लेंगे ताकि मिंगने मिंगने अलग हो जाए और सारी रेत यहीं पर रुक जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको करने में मज़ा भी बहुत आती है, और अगर आप साफ़ सफाई रखोगे तो आपके बकरों को भी इंशाल्लाह ताला कोई बीमारियाँ नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई लोग जितना हो सके अपने बकरों को आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 मिनट तो धूप लगाना 10 से 11 बजे की, ताकि आपके जानवरों को सर्दियों में स्किन इन्फेक्शन ना आए। सुबह की धूप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सुबह के टाइम पर अब सर्दी होने लग गई है, और अगर आप बकरों को बाहर निकालोगे उस टाइम पर तो बकरों को सर्दी लग सकती है, जिससे कि नुकसान हो जाएगा आपका। लेकिन ये टाइम की जो धूप है ये बहुत कड़क धूप भी नहीं है और बहुत अच्छी धूप भी, मतलब बहुत ठंडी भी नहीं है और बहुत कड़क भी नहीं है, नॉर्मल धूप है। और 15 से 20 मिनट में हमारे बाड़े की इसकी सफाई हो जाएगी, 15-20 मिनट में बकरे आराम से छाँव में आके सुकून से बैठ जाएंगे। तो ये ज़रूर किया करो डेली के पर्पज़ से अगर आप लोगों को टाइम लगे, ताकि आपके बकरों को स्किन इन्फेक्शन ना हो सर्दियों में। और पैरों की जो दिक्कतें आती है, जो बकरे घुटनों पर आ जाते हैं, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ये सबसे बेस्ट है धूप और नहाना, ये दो चीज़ ऐसी है जो सारी बीमारियों को काट देती है अगर आप प्रॉपर अपने जानवरों को देते रहोगे। और भाई आज आप लोगों को मालूम है चौथा दिन है हमारे बच्चों को पंच हुए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन सारे जानवर सब सेटम सेट है। टोटल बकरे जो भी पंच हुए थे
थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सब बकरे अल्लाह का शुक्र है नॉर्मली खाने पीने पे आ गए। तो ये थी आज की अपडेट साबरी गोट फार्म की। होप आपको पूरी अपडेट समझ में आई हो। भाई ये हटा लेना यहाँ से बोटल ये नो से ये हटा लियो, और जो कोने पे पड़ी ना मिंग ने ये खींच लियो, चाहे गैलरी के अलग से साफ कर लियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और माफ़ी चाहूँगा लेट व्लॉग अपलोड करने के लिए, दो दिन से नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है मेरा बिजी रहना, मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगता और काफ़ी सारी अभी काम हो रहे हैं, तो जिस वजह से व्लॉग नहीं आ पाते। इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से, जैसे ही मेरे लिए थोड़ा मैं फ्री टाइम निकालूंगा तो मैं फिर पूरा प्रॉपर व्लॉगिंग पे टाइम दूंगा। अभी मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, बस वो लोग आ जाए, कंप्लीट हो जाए फार्म, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपन वापस से डेली व्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, लोग शॉप करो हमारे पसली का, माशाल्लाह यकीन नहीं होता, माशाल्लाह ये वही जानवर है जिसकी पसलियाँ चमकती थी। आज की तारीख में माशाल्लाह सिर्फ 4 दांती है बकरा, और हाइट वाइट इतनी अच्छी खोल ली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई कोई बकरे को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि यकीन ही नहीं आता कि ये वही बकरा है जो हम लोग परचेस करके लाए थे। भाई लोगों की ये बकरी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, किसी भाई को अगर चाहिए रहेगी तो। बहुत अच्छे फेस लुक की बकरी है, और सबसे मेन चीज़ है कि प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, अभी थोड़ा टाइम लेगी लेकिन कम्प्लीट बकरी है माशाल्लाह। ये देखिए, किसी भाई को चाहिए होगी शौक के लिए तो रख सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना। जैसे मसाले की डिलीवरी मिलती है ऐसे ही आपको इसकी बाई ट्रेन डिलीवरी मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और वो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने किड डाइट मास्टर बच्चों को डाल दिया। ये देखो फीड के ऊपर कैसे हम लोग खिलाते हैं फिलहाल के टाइम पे, किड डाइट मास्टर, और चौथे दिन से इनका स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, सब लोगों को मालूम है एक मक्की चीना कब आया था, और इसको बीच में पैरालाइज अटैक भी आया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल फिट और फाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। होप आपको ये व्लॉग समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर वापस से मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।